हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसी के सोर्सेस को हम लोग देखने वाले हैं। अब जानते हैं कि जो मॉडल पेपर आया है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 38 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्र आपको 85 ही बनाना है ना, और जो 38 क्वेश्चन आया है सब्जेक्टिव उसमें 30 तो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको मात्र 30 में से 15 बनाना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें कितने हैं, वो 8 है जिसमें से मात्र 4 ही बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन तो करेंगे, लेकिन इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 1 से लेकर के 100 तक, उन सभी का सोल्यूशन अपलोड किया जा चुका है, जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम चालू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के सोल्यूशन को, जो कि कितने हैं 30। हम लोग तो इस वीडियो में 30 में 30 कोशिश करेंगे, अगर 30 में 30 नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, मतलब कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपको पता चल जाए कि 30 में 30 क्वेश्चन है किस टाइप से। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ ऐसे है, इफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन रूट एक्स देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। देख रहे हैं ये वाई इक्वल टू दिया गया है, इसलिए हम लोग को डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसमें ध्यान देंगे कि केवल सॉल्व करने से ही नंबर नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसका आंसर देख करके मुझ माने डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जा रहा है इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, किस प्रोसेस से आपको लिखना है, एकदम बिल्कुल वैसे ही बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन वाई इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन रूट एक्स। ये तो क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है डी ओ डी एक्स, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन रूट एक्स बाई कितना डी एक्स। ठीक है, अब जानते हैं फॉर्मूला होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे होता है। तो जो एंगल में है वो बटा में आता है, तो यहां पर एंगल में क्या है कॉस ऑफ टेन रूट एक्स है, तो ये आएगा नीचे यानी कि डी साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन रूट एक्स बाई कितना, तो साइन के जो एंगल में है क्या है कॉस ऑफ टेन रूट एक्स, ऐसे है। अब जो नीचे आया सो ऊपर जाएगा डी कॉस ऑफ टेन रूट एक्स बाई कितना, अब कितना आएगा तो कॉस के एंगल में क्या है टेन रूट एक्स, तो इस बार टेन रूट एक्स नीचे आ जाएगा, फिर अब ये ऊपर जाएगा तो डी टेन रूट एक्स, और टेन के एंगल में क्या है रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा, तो टेन रूट एक्स इंटू टी रूट एक्स बाई डी एक्स। क्या आ गया यहां से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल में है वो रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन रूट एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, क्योंकि ये गुणा में है तो माइनस को हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वन बाई टू रूट एक्स एंड दिस इज। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है। सेकेंड ऑफ क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेकेंड ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, और ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट लॉग एक्स बेस में ई है बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कि कैसे अटेम्प्ट लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि अगर लॉग एक्स को मान लेंगे हम तो वन बाई एक्स मिल जाएगा ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट सॉल्यूशन
लेट आई इक्वल टू, और इसको लॉग एक्स पूरा रूट में है, ये बेस में ई है, बाई कितना एक्स डी एक्स। अब ये बताइए ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को मान रहे हो यानी उसमें किसी न किसी टर्म को मानना पड़े तो आप उसको आई मान लीजिए। आई मानने से थोड़ा सा ज्यादा टर्म लिखने से आप बच जाए, ठीक ना। अब इसको कीजिए तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर लॉग एक्स, रूट अंडर लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स डी एक्स। ऐसा क्यों लिखे, इससे स्पष्ट दिखता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स स्पष्ट दिखता है, इसलिए लिखे ऐसा। अब यहां से मानिए पुट लॉग एक्स इक्वल टू कितना टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा ना ऐसे। अभी बताइए इसके बाद क्या होगा, तो लिखेंगे नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर लॉग एक्स की जगह टी और ये वन बाई एक्स डी एक्स की जगह डी टी आएगा। अब यहां से जो रूट में टी है इसका पावर हटाएगा तो वन बाई टू आएगा और ये डी टी। अब इसके बाद आप एक्स के पावर एन का फॉर्मूला जानते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं जो आता है उसी को बटा में लिखते हैं, तो क्या आएगा टी का पावर वन बाई टू में वन जोड़ेंगे तो थ्री बाई टू। अब आप यहां थ्री बाई टू लिखिए या फिर ऊपर प्लॉट जाएगा तो टू बाई थ्री प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। अब यहां से आप टी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो टू बाई थ्री, टी का मान कितना लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का पावर बेस में टी रहेगा थ्री बाई टू प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट एंड दिस इज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, देख रहे हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, तो पहले इसको साफ करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है e का पावर माइनस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे आई मान लेंगे। कैसे तो खुद बताइए वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको मानते हैं हम लोग, तो लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ई का पावर माइनस वन बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा सा और सोचिए वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो जब माइनस मानेंगे तो माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या कीजिए माइनस वन बाई एक्स को मान लीजिएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ई का पावर माइनस वन बाई एक्स रखते हैं और इधर साइड में कर देते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। इससे स्पष्ट दिख रहा है, अब क्या लिखेंगे हम लोग पुट माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये रहा वन बाई एक्स का और माइनस इसका, ये डीएक्स इक्वल टू डी टी माइनस माइनस प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर या नाउ आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ई का पावर माइनस वन बाई एक्स की जगह कितना टी, तो ई का पावर टी और इसके जगह डी टी। और आप e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, e के पावर x, तो यहां क्या आएगा e का पावर t प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और ये हो जाएगा e का पावर t के स्थान माइनस वन बाई एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दिस इज आंसर। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं और काफी आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके पास हो तो आप इजिली इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर में आते हैं, फोर नंबर क्वेश्चन है साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर
ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूजन में आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कॉस वाले क्वेश्चन को तो बनाए ही होंगे। यहां देखते साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स को टी मानेंगे कॉस एक्स आ जाएगा, या कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन यहां देखिए, यहां पर जो एंगल दिया है ना वह एक्स है और एक्स है, एंगल सेम है। क्या जो ये क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें एंगल सेम है? तो नहीं है, क्योंकि ये ए एक्स है और ये बी एक्स है, एंगल सेम नहीं है। तो आप इसमें एक को टी मान नहीं सकते, टी नहीं मान सकते, तो फिर क्या किया जाएगा? तो जब साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और दोनों का एंगल डिफरेंट हो, उस समय आप यूज करेंगे फॉर्मूला टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। एनसीईआरटी में इसी पर बेस्ट क्वेश्चन दिया है, साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसमें यह फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सही होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यही पे यहां पे यूज किया जाए। आप बोलेंगे सर यहां पर दो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम लोग तो सॉल्व करेंगे, इसमें दो लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे आता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखते हैं इसमें ये साइन ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स, साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। क्या करते हैं इसमें वन बाई टू, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, ये तो कर ही सकते हैं। अब यहां से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब तो समझ में आया कैसे? साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स, प्लस देखिए यहां पर प्लस साइन ए माइनस बी, यानी ए एक्स माइनस बी एक्स और ये डी एक्स, ऐसे आएगा। इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन, पूरे करना है ना, हाँ ठीक। चलिए फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर दिए। अब यहां से इसके बाद देखिए, यहां से अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए। क्या करना है? सेपरेट, जैसे ही सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स, एक और काम कीजिए, रुक जाइए, एक ही साथ दो काम कर दीजिए, एक तो सेपरेट भी कर दीजिए, उसके बाद इसमें से भी एक्स कॉमन और इसमें से भी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन ए प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस, यहां देखिए ठीक ना। अब इसका, तो इसका भी इंटीग्रेशन, साइन ए माइनस बी और ये एक्स और ये डी एक्स, सही है। अब बताइए कि जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वन बाई टू साइन का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए साइन एक्स का ही तो फॉर्मूला लगेगा यहां पर, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स होता है ऐसे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ध्यान दीजिए कॉस एक्स। लेकिन यही अब यहां पर अगर टू एक्स हो जाए तो यहां टू एक्स तो आता है, चूंकि यहां पर दो से मल्टीप्लाई है एक्स में, इसलिए टू क्या करता है? डिवाइड करता है, होता है ऐसे। तो यहां पर क्या करेंगे? एक्स में किससे मल्टीप्लाई है? ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी इधर डिवाइड करेगा, सही है ना। चलिए अब यहां पर क्या होगा? प्लस, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का मैंने डिफरेंशिएशन पूछा है, समझ गए, साइन का डिफरेंस क्या होता है? कॉस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहां पर क्या आएगा? माइनस कॉस ए माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई कितना? ए माइनस बी, और पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, तो यहां पर आ जाएगा प्लस में सी, माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा माइनस वन बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स बाई ए माइनस बी प्लस में ये रहा इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फोर में क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पहले साफ करना पड़ेगा तब ये बनेगा। इसको साफ करते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसे जितने भी क्वेश्चन हैं मॉडल पेपर के वो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये हर कंसेप्ट पर है, तो आप इसको कोशिश कीजिए अच्छे से समझने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ये चारों से अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर। डी थीटा बाई 6 प्लस 7 कॉस थीटा, ये ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखते के साथ अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो समझिए कि आप पाथलेस हैं, ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसकी आपको दिशा ही नहीं पता है, पता ही नहीं है कि जाना किधर है ना, तो पहले पता होना चाहिए कि जाना किधर है। तो यहां पर ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो तैयार तो हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो फिर आप वहीं पर स्टक हो जाएंगे। तो जरूरी है पहले ये पता होना कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ऊपर कॉन्स्टेंट हो, ऊपर कॉन्स्टेंट हो और नीचे दोनों साइन में हो, या दोनों साइन नहीं, एक कॉन्स्टेंट और एक कॉस या साइन, जैसे ये है ठीक है, या फिर एक साइन और एक कॉस ऐसे हो, तो आप उसमें साइन और कॉस का फॉर्मूला रखिए, किस फॉर्म में, टेन के फॉर्म, ठीक ना। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, मतलब ये ऐसे आ जाए, मान लीजिए ऊपर कॉन्स्टेंट आ गया और नीचे आ गया, कोई कॉन्स्टेंट मान लेते हैं ये, मान लीजिए और नीचे आ गया ए प्लस बी साइन थीटा, ऐसे ये आ जाए, या फिर बी बाई ऊपर कुछ भी कॉन्स्टेंट मान लीजिए है ना, ए प्लस सी कॉस थीटा ऐसे आ जाए, या फिर सेवन बाई फाइव साइन थीटा प्लस एट कॉस थीटा ऐसे आ जाए है ना, या फिर फिफ्टीन बाई क्या हो जाए, सेवन कॉस थीटा प्लस थ्री साइन थीटा प्लस 15 ऐसे आ जाए। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, साइन और कॉस का फॉर्मूला यूज करना है टेन के फॉर्म में। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट कैसा यूज करना है, क्या यूज करना है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गया, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या करना है हम लोगों को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने के लिए हमें cos थीटा के जगह 10 के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले 5 नंबर सॉल्यूशन, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या इसमें हम लोग ये बताइए, इसको आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1/6 + 7, और cos थीटा का फॉर्मूला होता कितना है, तो ध्यान दीजिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 - 10² θ / 1 + 10² θ, ये आप जानते हैं, लेकिन यहां पर क्या है cos थीटा, तो थोड़ा सोचिए ना, इसका एंगल का आधा किए हैं, तो cos थीटा यहां पर भी एंगल आधा कर देंगे, यहां पर भी एंगल आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 1 - 10² θ / 2 / 1 + 10² θ / d θ, समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखा कितना सा क्वेश्चन भी हो रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए तो क्या करते हैं, यहां पर हम लोग सॉल्व करते थोड़ा सा, ये 1/6 + 7 तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 - 10² θ / 2 / 1 + 10² θ / 2 d θ। अब करना क्या है, यहां घटा के जोड़, तो ये आएगा 1/ ये जगह यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 + 6 = 10² θ / 2 + 7 - 7 = 10² θ / 2 और ये d θ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 + 10² θ / 2 यहां है, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 10² θ / 2, ठीक है इतना।
अब इसमें आप ये ध्यान दें, आप 10th क्लास में भी पढ़े हुए थे ट्रिगो में कि sec square theta minus tan square theta equal to 1 पढ़े हुए हैं। क्या यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec square theta equal to 1 plus tan square theta, ये फॉर्मूला तो जानते ही है, तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहां पर यूज करना है, 1 plus tan square theta equal to sec square theta। तो यहां देख रहे हैं क्या इसको हम लोग 1 plus tan square theta by 2, तो इसको लिख सकते हैं sec square theta by 2, लिख सकते हैं ऐसा। अभी बताइए 6 और 7 कितना 13 हो जाएगा, अब ये 6 tan square theta by 2 प्लस में माइनस में 7 तो आएगा माइनस में tan square theta by 2 और ये क्या हो गया d theta। अब ये क्वेश्चन दिया गया तब तो आपके लिए आसान हो गया, दिख रहा है कि क्या करना है, क्या करना है, बिल्कुल सही समझे, tan थीटा को मानेंगे तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, देख रहे ना। तो आपको ये किस किस फॉर्म में यहां आ सकता है, आपको मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट किस किस केस में यूज करना है ना, आपको ये माइंड में सेट कर लेना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पुट कीजिए, पुट tan थीटा बाय 2 इक्वल टू कितना t, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा के साथ कितना गुणा है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 से गुणा हो जाएगा यानी कि 1 बाय 2 और ये d थीटा इक्वल टू कितना dt। तो हमें तो चाहिए यहां पर क्या केवल sec स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये sec स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 dt हो जाएगा ऐसे। अब ये तो i इक्वल टू है तो हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे यहां पर 13 माइनस ये क्या t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से 2 को भाग कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाय 13 के जगह रूट 13 का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस t स्क्वायर और ये dt, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और बताइए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला होता है 1 by a square minus x square dx equal to, फॉर्मूला होता है 1 by 2a log a plus x divided by a minus x, प्लस में इंटीग्रेटिंग करते हैं तो फिर समझ ही जाएंगे, देख रहे हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये क्या आएगा 2 तो बाहर रहेगा 1 by 2a, तो 1 by 2a मतलब रूट अंडर 13 इंटू लॉग ए प्लस एक्स यानी कि रूट 13 प्लस टी डिवाइडेड बाई रूट 13 माइनस टी प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, समझ में आया, देख रहे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन बना, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, इसलिए इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। आपको मैंने केवल क्वेश्चन ही सब नहीं करके बताया बल्कि मैंने ये भी बताया कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस पर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए यहां से टू तो ये कैंसिल हो गया, अब आएगा 1 बाई रूट अंडर 13 इंटू लॉग और यहां देख रहे हैं रूट अंडर 13 माइनस टी, टी के स्थान पर क्या आएगा ये देखिए 10 थीटा बाई 2 आएगा डिवाइडेड बाई रूट अंडर यहां 13 माइनस यहां पर प्लस है माइनस टी के स्थान पर क्या आएगा 10 थीटा बाय 2 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर, सही है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आइए देखते हैं इसको, इसको पूरा साफ किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है 10x by sec x plus cos x और ये हो गया dx,
ऐसे है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या किया जाए बोलिए, सिंपल सा साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, सबसे आसान तरीका साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो चेंज कर दीजिए क्या आता है, साइन कॉस में जब चेंज कीजिएगा तो ये होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई इसके जगह वन बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स है ही इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, यहां आ गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई इसको जब जोड़िएगा तो वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स और ये कितना डी एक्स, इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसे ही आप इसको साइन कॉस में चेंज किए आपको अब ये आसान हो गया, आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, आपको समझ में आ रहा कि क्या करना है, समझ में आ रहा है ना क्या करेंगे, बिल्कुल सही समझे, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां से हम ऊपर क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं, तो क्या आ गया यहां से, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस में डी टी आएगा ऐसे। तो नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई वन प्लस इसको टी माने है ना तो टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, आप चाहे तो इसको कॉट इनवर्स टी प्लस इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस को बाहर करेंगे तो टेन इनवर्स आएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे दो से। अब ये बताइए कॉट इनवर्स टी के स्थान पर क्या लिखा जाए, तो टी के स्थान पर लिखा जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट एंड दिस इज। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बेहतरीन तो वही वाला क्वेश्चन था, कौन सा इसके जस्ट पढ़ने वाला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इस वीडियो में, और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिए बिहार बोर्ड है, इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछने के लायक है ही। ठीक है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्वेश्चन है माइनस वन टू वन लिमिट है, और ये है साइन का पावर फाइव एक्स इंटू कॉस का पावर फोर एक्स डी एक्स, और एकदम इसी टाइप से हूबहू कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही एकदम सेम टू सेम, दो से तीन क्वेश्चन इसी मॉडल पे पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया भी गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। करना क्या होता है, तो जब भी आप लिमिट वाला क्वेश्चन देखें इंटीग्रेशन में, और माइनस ए से ए हो, माइनस ए से ए हो, जैसे ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ध्यान दीजिए अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू जीरो आता है, लेकिन अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये होता है टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसे होता है, सही है ना। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि जो ये एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चेक करेंगे, तो अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आपको आ भी जाएगा। ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं। पहले चेक करना होगा हम लोग को ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे एफ एक्स, यानी कि लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर फाइव एक्स इंटू कॉस पावर फोर एक्स। करना क्या है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करने के लिए तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए, यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू यहां क्या आएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस का पावर फोर माइनस एक्स। अभी बात बताइए साइन माइनस थीटा, ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कॉस थीटा होता है। ठीक है,
जब आप इसका पावर 5 करेंगे मतलब कि इसका पावर भी 5 किए तो ये तो माइनस का पावर 5 माइनस आएगा ना, और साइन का पावर 5 थीटा, कॉस का पावर 4 कीजिएगा तो यहाँ भी 4 थीटा प्लस ही रहेगा। तो यहां से क्या दिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या रहा है, माइनस साइन का पावर 5x इंटू कॉस का पावर 4x, यहां से आ रहा है ना। अब ये बताइए एफ माइनस एक्स का वैल्यू आ गया क्या, माइनस ये पूरा का पूरा देखिए एफ एक्स का वैल्यू है तो ये एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के। तो जब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आए तो कहा जाता है कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है ना। तो बोलेंगे दस इस प्रकार एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स क्या है, एक विषम फलन है, ठीक है। और अभी बोले आपको अभी इसके पहले बताए भी थे कि अगर ऑड फंक्शन है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पर, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए आपको ये बात लिखना पड़ेगा जो भी लिख रहा है, लिखेंगे क्या, यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सा, तो जीरो जीरो नहीं माइनस ए टू ए, ध्यान रखेंगे माइनस वन टू वन, माइनस टू से टू ऐसे रहे तभी होगा, माइनस ए से ए, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन और टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है ऐसे। अगर आपको ये याद है तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कुछ बढ़ने बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नाउ, क्या आएगा माइनस वन टू वन साइन पावर, यहां लिख देते हैं नहीं लिखा होगा कहीं, माइनस वन टू वन साइन पावर 5x इंटू कॉस पावर 4x dx इक्वल टू कितना, जीरो, दिस इज, ठीक है। ये कितना रहा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये रहा 7, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना फीडबैक अवश्य दें जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक ना। और अगर आपका फीडबैक आता है तो अच्छा भी लगता है, और आदमी और इंस्पायर होता है कि आदमी और कुछ अच्छा लगता है इस सेंस में कि और वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए फीडबैक अवश्य दें, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।